सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर्च में। सो गाइस, आज को हम बात करने वाले हैं कि गाइस, अगर आप जियो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन किए हैं, जियो पेमेंट पर अपना खाता खुलवाए हैं, तो गाइस आप जियो पेमेंट बैंक का जो यहाँ पर कार्ड है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसका नंबर आप कैसे पता करेंगे, एटीएम कार्ड कैसे पता करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले, करके दिखाने वाले। सो गाइस, अगर आप पता करना चाहते हैं तो आप कैसे पता करेंगे, इसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी गाइस आप अपने जियो पेमेंट बैंक का आप यहां से कार्ड नंबर और यहाँ पे एक्सपायरी डेट और कार्ड एटीएम कार्ड आप इजीली पता कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को इस तरीके से गाइस आपको ओपन कर देना। तो जैसे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को आप इस तरीके से ओपन कर देंगे, तो आपको सर्च बार पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा माई जियो ऐप। तो जैसे आप ऐसे माई जियो एप्लीकेशन आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको सिंपली ओपन पे क्लिक करना। जैसे ओपन पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो माई जियो एप्लीकेशन इस तरीके से यहाँ पर ओपन होगा, तो आपको इस तरीके से ओपन करना। ओपन करने के बाद में अब आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना, जिस मोबाइल नंबर से आप अपने जियो पेमेंट बैंक को आप अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना। डालने के बाद आपको लॉगिन, तो आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहां पे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में यहां पे नीचे गाइस आपका अकाउंट दिखाएगा कि आपकी सिम पे कितना MB है और कितने का रिचार्ज है, और यहाँ पे कब तक आपका मतलब रिचार्ज है मतलब एक्सपायर होगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल दिखाएगा। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे अपने बैंक पे क्लिक करना। सबसे ऊपर गाइस यहाँ पे बैंक का आइकन और आपको इस पर क्लिक करना है। बैंक पे क्लिक करने के बाद में अब आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे MPIN डालने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ से अपने MPIN आपको डाल देना। अगर आपका MPIN नहीं पता है तो आपको क्या करना है, अपने MPIN को फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो आप जैसे अपने MPIN डाल देंगे, उसके बाद में आपका यहाँ पे माई एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। माई अकाउंट यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर्स हो जाएगा, और मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, 213 रुपये है, तो यहाँ पे दिखा रहा है 213 रुपये। अब आपको क्या करना है, अपने एटीएम डेबिट कार्ड को पता करना है, एटीएम कार्ड नंबर पता करना है। तो आप कैसे पता करेंगे, सिंपली आपको इस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पे कैसे का ऑप्शन तेरा प्रोफाइल का, आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। आप जैसे इस प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे, तो फिर से यहाँ पे MPIN डालने का ऑप्शन आएगा, तो आपको फिर से यहाँ से अपना MPIN आपको डाल देना। जैसे अपना MPIN आप डाल देंगे, उसके बाद में आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर, बैंक IFSC कोड, और जैसे यहाँ पे आपका रिलेशनशिप नंबर आ जाएगा। उसके बाद में अकाउंट टाइप, कौन सा अकाउंट है, उसके बाद में यहाँ पे कार्ड नंबर का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे तक आपको कार्ड नंबर का ऑप्शन हो रहा है, तो आप जैसे यहाँ पे गाइस एक आग का आइकन हो रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो कार्ड नंबर है प्रॉपरली यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में सब एक्सपायरी डेट नीचे हो रहा है, 09/20/2037 तक एक्सपायरी डेट है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट यहाँ पे शो हो चुका है। हम चलिए इस पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पे सबसे ऊपर गाइस यहाँ पे आपको कार्ड नंबर शो हो जाएगा, जियो पेमेंट बैंक कार्ड नंबर, और गाइस यहाँ पे इसका जो एटीएम कार्ड का यहाँ पे डेबिट कार्ड का जो यहाँ पे एक्सपायरी डेट यहाँ पे शो हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक्सपायरी डेट और यहाँ पे कार्ड नंबर आपको मिल चुका है। सो गाइस, अगर आप अपने एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट या कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड पता करना चाहते हैं जियो पेमेंट बैंक का, तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। अगर गाइस आपको पता करने में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो रही, तो आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू बात कर सकते हैं, जो कि हर एक प्रॉब्लम को आपको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरीके से गाइस अपने एटीएम और डेबिट कार्ड नंबर को इजिली आप पता कर सकते हैं, इजिली आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।